जय हिंद। आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों अभी देख रहे हैं हमारी उपस्थिति जिला अधिकारी महोदय के पास हुई है और यहां पे कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो किस संदर्भ में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। तो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं अध्यक्ष जी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर अपना शुभ नाम बता दें। जय प्रकाश नंद। सर क्या समस्या आन पड़ी जिसकी वजह से आपको जिला अधिकारी महोदय के पास आना पड़ा? आज करीब 2-2.5 महीने से हमारे समाज के यानी नाई समाज के तमाम हत्याएं और उत्पीड़न हो रहा है और उनकी कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसलिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि 14 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जाएगा। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर संगठन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। कोई ऐसी घटना भी हुई है जिसे आप बताना चाहें? हाँ, घटनाएं अभी बगल में संत कबीर नगर में हुआ है एक हत्या, आजमगढ़ में हुआ, देवरिया में हुआ है, मिर्जापुर में हुआ, हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ। कितना घटना का जिक्र किया जाए। अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि कोई संत महात्मा जाति सूचक शब्द बोल करके बदनाम कर रहे थे। हाँ, मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार है उसके वही क्या नाम अपमान किए जात शब्द। क्या कह रहे थे? और उसको मुर्गा नौआ कह करके मुर्गा छत्तीसा बनाए, नौआ कहे फिर मुर्गा बना करके उसको भरे स्थिति में कुत्ता अपमान किए। इससे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। यानी कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्द बोल करके लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मुर्गा भी मंच पे बनाए थे? भरे मंच। क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को न्याय मिले। बताए बाबा, हम संविधान की बात करते हैं जी। संविधान में मुझे बराबरी का दर्जा है, हक है, लेकिन समाज में बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिला था? अभी मुझे बराबर का नज़र से क्यों नहीं देखा जाता है? आज भी मुझे प्रजा समझते हैं लोग, अपना गुलाम समझते हैं। हम कब तक गुलाम बने रहेंगे? हमारी लड़ाई ये है, हम इसके खिलाफ संघर्ष कर राम बद है, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी अगर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, आज नहीं सुनी, कल नहीं सुनी जाएगी, तो हम सड़क उतरने का काम करेंगे और खुलेआम विरोध करेंगे जी। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की पंठोगर सरकार जो है, पंडित जी जो हैं, उन्होंने छत्तीसा हम लोगों को कहा है, अपने बौना कहा है कि मैं 52 बुद्धि वाला हूँ, तुम 36 बुद्धि वाले हो, और उसके बाद पीठ पे मारे हैं, ठोके हैं और उसको बहुत मतलब अशब्दता के तरीके से यूज किए हैं और लाखों लोगों की भीड़ थी। अगर वो किसी ने विरोध नहीं किया वहाँ पे, किसी ने मतलब जैसे लगता है कि ये बहुत बड़े भगवान हैं, इसके नाते किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन अगर मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, पंठोगर सरकार को बताना चाहता हूँ, पंडित जी को बताना चाहता हूँ कि अगर वो कहीं सामने व्यक्तिगत हम लोगों से मिले तो हम लोग भी बता सकते हैं कि हम क्या हैं और आप क्या हैं। आप तो बैठे हुए एक पंडाल के नीचे और कमा खा रहे हो, जीविका बनाए हुए, रोजी रोटी तुम्हारी वही है और अपने आप को भगवान समझ रहे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया को। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि जो समस्या ये बता रहे हैं ये काफ़ी गंभीर समस्या है जिसे हम सभी को मिल करके इसे सॉल्व करना होगा। जो जाति बंधन में सभी को पिरो करके आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय के द्वारा नाई को कहीं ना कहीं उसका उत्पीड़न कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हम लोगों का उत्पीड़न, हत्या या समाज के द्वारा इस तरह का अपमान किया जा रहा है, अगर इस पर सरकार गंभीर होकर के कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो मेरा एक ऐसा समाज है कि एक झोपड़ी में भी दुकान खोल करके है और बहुत VIP सिटी में भी है। हमारा समाज ही नहीं, हम लोग जितने लोगों को हो सकता है, ये भाजपा सरकार के विरोध में हम लोग एक ऐसा वो करेंगे कि भाजपा को हराने का काम करेंगे 2024 में। अगर भाजपा के पक्ष में हमारा मत चाहिए, हमारे लोगों का मत चाहिए, तो अविलंब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को कार्रवाई करके हमारी मांगों को पूरा कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका क्या विचार है इस घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।